हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन intcpd.com। मेरा नाम पूनम गर्ग है और आज हम सीखेंगे टैली के अंदर डे बुक फीचर्स। देखिए, जितनी भी आप एंट्रीज यानी कि वाउचर के अंदर आप वाउचर पास करते हो, यानी कि एंट्री जितनी भी आप पास करते हो उसको आप चेक कहाँ पे करते हो। जितनी भी आपने एंट्री आज तक पास की है, अगर आपने सारी वो चेक करनी है, उसके लिए आप आते हो डिस्प्ले के अंदर डे बुक। तो इसी के फीचर्स आज हम सीखने जा रहे हैं, यानी कि अपने डिस्प्ले के अंदर एंट्रीज़ को कैसे मेंटेन करना है, कैसे आप एंट्री चेक वगैरह करते हो, किसी डेट वाइज यानी कि पर्टिकुलर डेट को आपने एंट्री चेक करनी है, पर्टिकुलर पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आपने एंट्री चेक करनी है तो आप कैसे करते हो। तो देखिए, अभी हम डे बुक पे आए हैं। कैसे आपने करना है डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर डे बुक। यहाँ पर ये दिखाता है फॉर 2 अप्रैल 2012, यानी कि इसने 2 अप्रैल की सिर्फ एंट्री ये शो किए हैं। अगर आपने क्या करना है, इससे पहले किसी एक पर्टिकुलर डेट यानी कि 1 अप्रैल की देखनी है, तो आप क्या करते हो, F2 फॉर चेंजिंग द डेट। टैली के अंदर डेट चेंज करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है F2। इसमें आप डेट डालते हो तो ये 1 अप्रैल की आपको एंट्री दिखाएगा। अगर आपने क्या करना है, किसी पर्टिकुलर पीरियड यानी कि पूरे मैंने 1 मंथ या 1 ईयर की एंट्री चेक करनी है, 1 वीक की चेक करनी है, तो आप क्या करते हो, ओल्ट F2 करते हो, यानी कि चेंज द पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि नेक्स्ट पूरे 1 ईयर की आपने एंट्री इसमें शो करा दी है, तो ये आपको दिखाएगा जितनी भी एंट्री अभी तक आपने पास की होगी। F2 से आप करते हो कोई भी एक डेट चेंज, ओल्ट प्लस F2 से आप करते हो पूरा पीरियड चेंज। उसके बाद देखिए, अब हम करते हैं डुप्लीकेशन, एंट्री को डुप्लीकेट करना। जैसे कि आप सैलरी वगैरह पे करते हो तो हर मंथ में आपको सेम सैलरी अगर पे करनी है, या रेंट वगैरह पे करते हो, इस मंथ मैंने 20,000 रेंट पे किया है तो नेक्स्ट मंथ भी मुझे 20,000, यानी कि एंट्री सेम होगी, सिर्फ क्या चेंज होगा, सिर्फ डेट चेंज होगी, तो आप उस एंट्री को डुप्लीकेट बना देते हो। क्या करना, आपने ओल्ट प्लस 2 करना है फॉर डुप्लीकेशन। जैसे ही उस एंट्री के ऊपर आप आते हो और ओल्ड प्लस 2 करते हो तो ये आपको दिखाता है डुप्लीकेशन। दोबारा से देखिए, जिस भी एंट्री की आपने डुप्लीकेट एंट्री बनानी है उस एंट्री पे आप जाते हो, ओल्ड प्लस 2 करोगे, डुप्लीकेशन मोड पे आप आ जाते हो। अब अपने क्या करना है, एंट्री बिल्कुल सेम रखनी है, सिर्फ आपने डेट चेंज करनी है, यानी कि 1 अप्रैल को थी, अपने अप्रैल के बाद मई में आपने एंट्री करनी है। तो F2 मैंने आपको बताया था अभी डेट चेंज करने के लिए, इसे मैंने डाल दिया 1/5/12। सिर्फ आपने क्या करना है, एंट्री को सेव करना है, कंट्रोल प्लस ए। अब आपकी एंट्री सेव हो जाती है, ये देखिए, यानी कि उसी एंट्री की डुप्लीकेट बना के आपने एंट्री पास नहीं की, सिर्फ डेट को चेंज किया और उस एंट्री को कंप्लीट करा दिया है। ये आपका था डुप्लीकेशन एंट्री, यानी कि एंट्री को डुप्लीकेट करना जो आपने किया ओल्ड प्लस 2 के साथ। फिर रहता है एंट्री को सर्च करना, यानी कि अभी आपके डेली जो आप एंट्री करते हो, काफ़ी सारी एंट्रीज हो जाती हैं। अगर आप 1 मंथ या 1 ईयर के बाद आप किसी भी एंट्री को आपने सर्च करना है तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। अगर आप क्या करते हो, शॉर्टकट की यूज़ करते हो, रेंज डाल देते हो। अगर मुझे ये याद है सिर्फ कि मैंने रेंट पे किया था, यानी कि रेंट वाली आपने सारी एंट्री शो करानी है, तो आप क्या करते हो, ओल्ट प्लस F12, ये आपके लिए होता है रेंज डालने के लिए, रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रिपोर्ट। किसी भी रिपोर्ट में किसी इन्फॉर्मेशन डाल के आप वाउचर सर्च कर सकते हो। अब मुझे सिर्फ क्या याद है कि लेज़र याद है मुझे, जिसमें रेंट नेम आता है, बाकी और मुझे कुछ भी लर्न नहीं है। देन आप क्या करते हो, लेज़र नेम, यहाँ से आप ले लेते हो क्योंकि लेज़र ये लर्न है, और लेज़र का भी क्या है, नेम आपको याद है। अब ये पूछता है कि नेम क्या था, तब इसमें डाल देना इक्वल टू, यहाँ पे मैंने शो करा दिया रेंट, देन एंटर। अब देखिए, जितनी भी रेंट वाली एंट्री थी वो आपको ये शो करा देगा। एस्केप करके दोबारा से आप सारी एंट्रीज पे जाते हो। कई बार होता है कि हमें सिर्फ एंट्री का अमाउंट याद है, जैसे मैंने चेक करना है कि ऐसी सारी एंट्री शो करे जिसमें अमाउंट 50,000 से ज़्यादा था, तो क्या करते हो, दोबारा से ओल्ट F12 करते हो वाउचर, और अब की बार आपको लेज़र अमाउंट याद है, तो आप क्या करते हो, लेज़र अमाउंट कितना है या कितने से ग्रेटर है, मैंने कहा ग्रेटर देन 50,000, देन आप एंटर कराओ। तो देखिए, सिर्फ एक एंट्री आपके पास थी जो 50,000 से ज़्यादा अमाउंट की थी, तो आपने वो सर्च कर ली है, यानी कि रेंज डालने के लिए आपने यूज़ किया ओल्ड प्लस F12, जिससे आप सारी एंट्रीज को सर्च कर सकते हो सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन डाल के।
दोबारा सारी एंट्रीज पे जाने के लिए आप एस्केप करते हो। अब है वाउचर के अकॉर्डिंग चलना। आपने किसी एक पर्टिकुलर वाउचर को देखना है, सिर्फ पेमेंट की एंट्री दिखाए, सिर्फ सेल की दिखाए या सिर्फ परचेज की दिखाए, तो शॉर्टकट की आपके पास होती है F4। F4 ऑफ करते हो, ये सारे आइटम शो करेगा। आपने सिर्फ पेमेंट की चेक करनी है तो पेमेंट पे आप जाइए। अभी तक आपने पेमेंट के अंदर 3 एंट्री पास की थी, दोबारा से F4 कीजिए। अगर मैंने जर्नल की एंट्री चेक करनी है, देन आप जर्नल पे आते हो तो ये दिखाता है जर्नल में अभी तक आपने कोई एंट्री पास ही नहीं की है। सेल परचेज की आप देखते हो तो परचेज में अभी तक एक एंट्री आपने पास की है तो वो दिखा देगा परचेज की, ये सिंगल एंट्री है। किसी भी एंट्री को ओपन करने के लिए आप उसी पे एंटर करते हो तो उसी एंट्री को दोबारा से ओपन कर देगा वो, यानी कि अल्ट्रेशन मोड पे। इसके अंदर अल्ट्रेशन करानी है आप तो जा सकते हो इस पर। स्केप कराते हो, दोबारा से सारे वाउचर को शो कराने के लिए दोबारा से F4 करते हो और यहाँ से ऑल आइटम्स आप लेते हो, देन एंटर, तो दोबारा से आपके सारे वाउचर शो हो जाएंगे। अब देखिए, अगर आपने किसी भी एंट्री को डिलीट करना है, मैंने कहा ये सैलरी की एंट्री जो 2 अप्रैल को मैंने पास की, इसको मुझे डिलीट कराना है, तो आप क्या करते हो, एंट्री को ओपन करते हो यानी कि एंटर करते हो, वो एंट्री दोबारा से ओपन हो जाएगी आपकी। ओल्ट प्लस डी करोगे फॉर डिलीशन, ओल्ट प्लस डी, तो जिससे आप एंट्री को डिलीट कर सकते हो। ये आपसे कन्फर्मेशन के लिए मांगता है कि आपने डिलीट करनी है, आप यस करते हो, ये देखिए वो एंट्री डिलीट हो जाती है। इस तरह से आपने किया, अभी एंट्री को डिलीट किया, ओल्ट प्लस डी। अगर किसी एंट्री को आपने हाइड करना है तो उसके लिए आप करते हो ओल्ट प्लस आर। किसी भी एंट्री को अगर आपने हाइड कराना है तो ओल्ट प्लस आर करोगे। दोबारा से अगर आपने सारी एंट्री शो करनी है, देन दोबारा उसी पे जाते हो, डे बुक फीचर्स, और आप दोबारा से अपना पेड़ डाल दो 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाइड करने के लिए हमने किया था ओल्ट प्लस आर, तो आपकी एंट्री हाइड हो जाती है ओल्ट आर। अगर दोबारा आपने अपनी सारी एंट्रीज पे जाना है तो दोबारा फिर अपडेट डाल देते हो तो सारी एंट्री शो करा सकते हो। दोबारा से डे बुक पे आओगे, ओल्ट F2, तो इस तरह आप दोबारा से एंट्री को शो करा सकते हो। तो ये हमारे पास थे डे बुक फीचर, यानी कि डे बुक के अंदर जितने भी आपने फीचर किए हैं, डुप्लीकेशन करना, डिलीट करना है किसी भी एंट्री को, अल्टर कराना उसमें, या फिर रेंज डाल के किसी एंट्री को सर्च करना, पर्टिकुलर वाउचर के अकॉर्डिंग आपने सर्च किया। अब देखिए, अगर आपने इसी वाले मोड से, यानी कि डे बुक के अंदर से ही दोबारा से वाउचर पे जाना है, यानी कि कोई नया वाउचर आपने इंसर्ट करना है, तो ओल्ट प्लस आई करते हो, जिससे कि आप वाउचर क्रिएशन मोड पे आप जा सकते हो, ओल्ट प्लस आई। तो ये सारे फीचर्स हैं आपके डिस्प्ले डे बुक के। डिस्प्ले पे आप जाते हो और डे बुक में आपने ये सारे ऑप्शंस चेक किए। तो इसी ऑप्शन को अभी यहीं पर हम फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइज़।